रायपुर में मेयर अजाज ढेबर, पूर्व मुख्य सचिव विवेक ढान, आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा और शराब कारोबारी अमोलक सिंह भाटिया के ठिकानों पर गुरुवार से चल रही आयकर विभाग की छापेमारी के बीच बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जो खबर निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक आयकर विभाग के अधिकारी जिन गाड़ियों में दबिश देने पहुंचे थे उन गाड़ियों को पुलिस ने जब्त कर लिया है। जिन गाड़ियों को जब्त किया गया है उनकी संख्या 20 से ज्यादा बताई जा रही है। जब्त की गई गाड़ियों को थाना की बजाय पुलिस लाइन में रखा गया है। बताया जा रहा है कि यह पूरी कार्यवाही गुरुवार की रात को उस वक्त की गई जब आयकर विभाग के अधिकारी दबिश देने की तैयारी कर रहे थे और गाड़ियों को रास टॉकेज के पास बुलाया गया था, जहां से गाड़ियों में बैठकर अधिकारी अलग अलग जगहों पर जाने वाले थे। इससे पहले की देर रात आयकर के अधिकारियों की टीम कार्यवाही कर पाती, पुलिस ने सभी गाड़ियों को जब्त कर लिया। हालांकि अभी इस बात का अभी पता नहीं चल सका है कि आयकर अधिकारी उन्हीं ठिकानों में जाने वाले थे या फिर गुरुवार को हुई छापेमारी के दौरान मिली जानकारी के मुताबिक कहीं अन्य जगहों पर कार्यवाही करने वाले थे। गाड़ी के ड्राइवरों ने बातचीत में बताया कि सभी गाड़ियां रास टॉकेज के पास खड़ी थी। गाड़ियां शाम को 8 बजे वहां लगाई गई थी। सब गाड़ियों को इनकम टैक्स में बुलाया गया था और वहां से गाड़ियां जाएंगी। रात को करीबन 11:30 के आसपास इनकम टैक्स के ऑफिसर आए थे। उन्होंने यह कहा, जितनी गाड़ियां हैं सब रास टॉकीज के पास जाएंगी, वहां से आपकी गाड़ियां अलग अलग जगहों पर जाएगी। वहां पर पहुंचकर गाड़ियां हमने लगाई। इसके कुछ देर बाद पुलिस वाले आ गए, फिर गाड़ी के पेपर मांगने लगे, गाड़ी के दस्तावेज उनको दिखा दिए। थोड़ी देर बाद हर एक गाड़ी में एक एक पुलिसकर्मी को बैठा दिया गया और बोला गया कि गाड़ियां यहां से नहीं हिलेंगी। गाड़ियां उठाकर रात 12:30 बजे पुलिस लाइन लाया गया, गाड़ी की चाबी रख ली और चालान बना लिया गया। उन्हें कहा कि ये सभी गाड़ियां नो पार्किंग में खड़ी थी। ड्राइवर बोले कि अगर नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी थी तो जो जुर्माना है वो ले लीजिए, लेकिन पुलिस कर्मियों ने कहा कि जब साहब बोलेंगे तो सुबह आपकी गाड़ी छोड़ी जाएगी। उधर इस मामले में रायपुर शहर के एएसपी प्रफुल्ल ठाकुर का कहना है कि आयकर की गाड़ियां जब्त नहीं की है, जो गाड़ी लवारिस हालत में मिली है उसे जब्त किया गया है। छत्तीसगढ़ से स्टेट हेड प्रणय अग्रवाल की रिपोर्ट। डिपार्टमेंट की अब कौन से पुर के तहत है मैं ये नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन एक प्रक्रिया है तो ठीक है, की प्रक्रिया है वो कर रहे हैं, जो परिणाम सामने आएंगे। लोगों को पहले बदलापुर दिख रहा था तो इसमें पुर क्यों नहीं दिखेगा? टकराव होना नहीं चाहिए, लेकिन कार्रवाई मैंने हमेशा यही माना है, और हम लोग अगर सार्वजनिक जीवन में हैं तो सबको और सब पक्षों को काम ऐसा करना चाहिए कि जिसमें ये ना दिखे कि सामान्य रूप से कानून व्यवस्था के तहत कार्रवाई हो रही है, ना कि किसी अन्य कारण से। अगर ऐसा दिखेगा जो कभी कभी महसूस होता है तो ये स्वस्थ नहीं। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.